इधर है ये बहुत ही रिस्की है और ये इलीगल है कम्प्लीटली, और उनको आपको एक बड़ा अमाउंट खिलाना होता है। वो अपना घर बेच के, जमीन बेच के, अपना सब कुछ जिंदगी भर में जितना कमाया है ना वो सब इसमें लगा देते, थोड़े अलर्ट हो जाए और वो इन सारी प्रॉब्लम में फंसने से बच जाए। जुगाड़ से भी नेक्स्ट लेवल का जुगाड़ लगाते हैं, उसको 8-9 साल वेट करते हैं ऑन साइड जाने के लिए, और काफी सारा पेशेंस भी चाहिए होता है उसके लिए। Hello everyone and welcome back to my channel. If you are watching me first time, then I am Rupal and I make videos about travel and lifestyle. So aap agar bahut sare hidden gems aur bahut sari interesting videos dekhna chahte hain to mere channel ko subscribe karna mat bhuliyega. Start karte hain aaj ka video jiska topic hai asylum seeking. So aaj ki video ka jo topic hai asylum ke bare mein, usme main kisi ka live experience share karne wali hu jinhone Ukraine se Portugal mein asylum liya hai. क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है एंड आई नेवर हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, तो उनका एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। साथ के साथ मैंने अपने सराउंडिंग्स में जो एक्सपीरियंस किया है मैं वो भी इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो हम जानेंगे कि असाइलम एक्चुअल में होता क्या है, कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। सो आप जिस कंट्री में रहते हैं अगर वहाँ किसी भी वजह से कोई भी इंस्टेबिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, या किसी भी वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आप अपनी कंट्री में सेफ नहीं हैं और आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, और उस दूसरी कंट्री में जाने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी पहले उस कंट्री से। सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइक सीकिंग असाइलम। तो जो लोग असाइलम सीक करते हैं और उन्हें अगर असाइलम मिल जाता है उनकी डेस्टिनेशन कंट्री में जहाँ पर भी वो ट्राई कर रहे हैं, देन दे आर लीगली ऑथराइज टू लिव इन दैट कंट्री। जैसे कि अभी यूक्रेन में वॉर स्टार्ट जब हुआ था तो उस टाइम पर कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने हेल्प किया है यूक्रेनियंस का, या जो भी लोग वहाँ पर रह रहे थे उनको हेल्प किया है अपनी कंट्री में लाने में, और जो भी प्रोसीजर होता है वो गवर्नमेंट ने खुद अपनी साइड से सारा कराया है। सो हम में से कई सारे लोग जब सोचते हैं अब्रॉड जाने के बारे में तो हमारे दिमाग में आता है कि हम स्टूडेंट वीज़ा पर चले जाते हैं, या फिर लोग वर्क वीज़ा के बारे में सोचते हैं, या कई सारे लोग 8-9 साल वेट करते हैं ऑन साइड जाने के लिए, और काफ़ी सारा पेशेंस भी चाहिए होता है उसके लिए, और बहुत सारे लोग डिपेंडेंट वीज़ा पे भी आते हैं। बट कुछ लोग एकदम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और जुगाड़ से भी नेक्स्ट लेवल का जुगाड़ लगाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं बेनिफिट्स असाइलम के, अगर कोई असाइलम लेता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं इस कंट्री में। सो यूक्रेनियंस जिनको पोर्चुगल में असाइलम मिला है उन्हें यहाँ पर फूड दिया गया है, उन्हें रहने के लिए अकोमोडेशन दिया गया है, साथ के साथ उनको जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर बिल्स हैं, वो सब उनको फ्री रखा गया है। और अगर आप बात करें ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज प्रोग्राम की तो उसमें जो फीस लगती है वो भी उनकी फीस नहीं लगती है वहाँ पर। और वैसे तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है काफ़ी सारी चीज़ें फ्री हैं, पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में अगर थोड़ा बहुत फीस भी लगता है तो उनको उस सब में भी रिलैक्सेशन मिलता है। और इतना ही नहीं, उनको मंथली अराउंड 190-200 यूरोस मिलते हैं उनके खर्चे के लिए। तो ये जो मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट है ये आपको तब तक मिलता है जब तक आप डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट पे। जब आपको जॉब मिल जाती है तो ये आपको मिलना बंद हो जाएगा, और उस पीरियड में जब तक आपके पास जॉब नहीं है आपको फुल सपोर्ट मिलता है यहाँ पर जॉब सर्च करने के लिए, जो भी ओपनिंग्स आएगी आपको उसके बारे में बताया भी जाएगा। सो दीज आर द ऑल बेनिफिट्स यू नो इफ़ यू आर गेटिंग असाइलम इन पोर्चुगल। और पोर्चुगल ही नहीं, यहाँ पर जो भी अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी यूक्रेनियंस को असाइलम दिया हुआ है और वहाँ पर भी बेनिफिट्स मिलते हैं, बट जो उनका मंथली यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट है वो डिफरेंट है क्योंकि यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है और वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। कोई आता है किसी और कंट्री से, जैसे यूक्रेनियंस जब यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले जब वो आते हैं तो उनकी किनाई ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराई जाती है जिसको लीगल एंट्री बोलते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो भी पेपर वर्क होता है उसमें आपके पास गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहता है, और उसके बाद उनको जो परमिट मिलता है यहाँ रहने के लिए वो 1 ईयर का परमिट मिलता है, एंड 2 एक्सटेंशन मिलते हैं 6 मंथ के। दिस इज फॉर द केसेस जो यूक्रेनियंस को मिला है, आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग हियर जस्ट इन केस इफ देयर इज अदर प्रोसीजर फॉर डिफरेंट कंट्री। आपके पास जब एक बार टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन वीजा होता है तो आप उसके बाद यहाँ की रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना होता है। तो किसी भी कंट्री में असाइलम सीक करने के लिए आपको पहले वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। जैसे यूक्रेन के केस में जो भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे तो यूनाइटेड नेशन ने उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भेज दिया था, और उसके बाद उनका जो भी प्रोसीजर था असाइलम का वो हो गया।
बट असाइलम के इस प्रोसीजर को कई सारे लोग मिसयूज भी करते हैं और वो अपनी कंट्री से, जिस भी कंट्री में उन्हें जाना है उस कंट्री में पहुंचने के लिए वो कई सारी कंट्रीज को पार करते हुए फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और इस प्रोसीजर को लोग ऑफिशियली यहाँ पे डोंकी बोलते हैं। मुझे 2-3 महीने लगे थे समझने में कि एक्चुअल में डोंकी होता क्या है, बिकॉज दिस वॉज लिटरली अ न्यू टर्म फॉर मी एंड इमिग्रेशन में आपने ऐसा कोई टर्म कभी सुना नहीं होगा पहले। तो होता क्या है बेसिकली इस प्रोसेस में, लोग जैसे किसी को पोर्चुगल आना है या किसी और कंट्री जाना है तो वो डायरेक्टली अपनी कंट्री से उस कंट्री में ना जाके वो डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं। The Balkan route is the main gateway into Europe for migrants. They come in through Greece and make their way up through Serbia and eventually over the border into Hungary and the European Union. तो कई लोग पानी के रास्ते से जाते हैं, कई लोग जंगल के रास्ते से जाते हैं और ये सब करने में उनकी हेल्प करते हैं एजेंट्स। तो बेसिकली इसका पूरा एक बिजनेस है जो लोगों को हेल्प करता है, बट इसमें बहुत सारा पैसा लगता है और ये बहुत ही रिस्की चीज़ है और इसका जो सक्सेस रेट है वो 1% भी नहीं है। तो बेसिकली ये जो प्रोसीजर है ना लोग जो फॉलो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हॉपिंग करते हुए अपनी डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंचने का, इसमें एजेंट्स को वो लोग बहुत सारा पैसा खिलाते हैं और ये पैसा वो अपना घर बेच के, जमीन बेच के, अपना सब कुछ जिंदगी भर में जितना कमाया है ना वो सब इसमें लगा देते हैं कि बस वो अपनी ड्रीम कंट्री में पहुंच जाएं और वहां पर असाइलम सीक करने के लिए अप्लाई कर दें। Some migrants make the journey under the cover of darkness. Many groups make their way through the forest towards the border, every one of them paying huge sums to smugglers in an attempt to make the crossing. ये जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली इलीगल है और सुपर रिस्की है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है क्योंकि जब आप सपोज आप पानी के रास्ते आ रहे हैं या किसी भी जगह से आप आ रहे हैं, हर बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स होती है जिसकी पूरी कोशिश होती है कि वो ऐसे इलीगली लोगों को अंदर एंटर ना करने दें और अगर लोग नहीं मानते हैं तो वो ऑन द स्पॉट उन्हें शूट भी कर देते हैं। October the 3rd on the Turkey-Bulgaria border and someone is about to get shot. By Bulgarian border officials after they caught his group illegally entering Bulgaria. तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये प्लान ड्रॉप कर दें, क्योंकि ऐसा होता है कि कई सारे लोग ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं, उनमें से एक आधा लोग जो सक्सेस हो जाते हैं वो उनको अपना बेंचमार्क सेट कर लेते हैं। सो देखिए सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है और अभी टाइम भी पहले जैसा नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट की नज़र में ये सब चीज़ें आ चुकी हैं और अब कहीं पर भी रैंडम चेकिंग होती है। पहले जैसी फ्लेक्सिबिलिटी थी यूरोपियन कंट्रीज में आप बाय बस जा रहे हैं या ट्रेन जा रहे हैं, तो अब चीज़ें वैसी नहीं है, कहीं पर भी रैंडम चेकिंग होती है और जिस दिन आपको लग खराब हुआ तो आप कहीं पर भी पकड़े जा सकते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि आप 2-3 कंट्री से हॉप करके आ रहे हैं तो जिस कंट्री में आप पकड़े जाएंगे तो आप जहाँ से आए हैं आपको वहाँ डिपोर्ट किया जाएगा, फिर वहाँ से आपको फिर से वही सब करना है और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है ना कि आपको आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे और पहुँचने के बाद भी आपको असाइलम मिलेगा या नहीं मिलेगा और उसके बाद आप यहाँ की रेजिडेंसी जो आपका फाइनल ड्रीम है उस तक आप कब पहुँचेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो लोग असाइलम लेके आते हैं तो जिनके कंट्री में बाकी में प्रॉब्लम है वो कभी अपनी कंट्री वापस शायद नहीं जाएंगे, लेकिन जो लोग असाइलम लेकर आ गए हैं जैसे पोर्चुगल में रह रहे हैं या कहीं पर भी रह रहे हैं तो फिर उसके बाद आप अपनी होम कंट्री वापस नहीं जा पाएंगे। तो आपके अगर आपकी वहाँ पे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, आप कभी वहाँ वापस नहीं जा पाएंगे ना उनसे मिल पाएंगे। तो अगर आप आना चाहते हैं पोर्चुगल या यूरोप की किसी भी कंट्री में या US या कहीं भी जाना चाहते हैं तो लीगल तरीके से जाइए, क्योंकि जो पेपर वर्क होता है वर्क के लिए या जो भी एक लीगल इमिग्रेशन के थ्रू आप जाते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पर इलीगली आते हैं और ऐसे असाइलम के सारे बेनिफिट्स लेते हैं तो जो यहाँ के लोग हैं और जो भी यहाँ पर टैक्स पेयर्स हैं वो आपको कभी उतने रिस्पेक्ट से देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इवेंचुअली जो सारे बेनिफिट्स फाइनेंस हो रहे हैं वो उनके टैक्स के पैसे से ही हो रहे हैं। तो द प्रोसजेशन इज कि अगर आपको यूरोप के किसी भी ड्रीम कंट्री में आना है तो आप अपनी स्किल्स डेवलप करिए, यहाँ पर हर तरह की जॉब्स है, नॉट ओनली वाइट कॉलर जॉब्स, यहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब्स भी हैं, सीजनल वीज़ा भी है जिसके लिए आप आ सकते हैं यहाँ पर, और फिर अगर आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें एक श्योरिटी भी है कि आप यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं तो आपके केस को कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए आप उन लोगों के साथ भी जो प्लान कर रहे हैं वो तिगड़म लगाने का, ताकि वो थोड़े अलर्ट हो जाएं और वो इन सारी प्रॉब्लम में फंसने से बच जाएं। एंड आई विल सी यू बैक नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो।